हाँ मैम, देखिए राजस्थान सरकार के एक कैबिनेट मंत्री जी का कल बयान आया है और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया ये बहुत ही शर्मनाक है। पहली बात तो वो दलित वोटों की ठेकेदारी करना चाहते हैं, जबकि आज ज़माना बदल गया है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो उसी ज़माने में जी रहे हैं जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, और वो सोचते हैं कि ये सब वोट तो हमारी जेब में हैं। दलितों पर जितना अत्याचार हुआ है, अभी वो स्वयं मान रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार में कोई काम दलितों के नहीं हुए हैं, उल्टे दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। चाहे वो थानागाजी की गैंगरेप की घटना हो, चाहे वो कोटा में हिरासत में एक कोरी समाज के युवक की मृत्यु हो, चाहे चूरू के सुजानगढ़ में जो घटना हुई, सरदार शहर में जो घटना हुई उसकी बात ले लें, एक दलित जो भाभी थी उसके देवर को जबरदस्ती बंद किया गया और फिर उसको मारा गया, मारने से उसकी हत्या हो गई। अलवर और बीकानेर शहरों में दलित दुल्हों को घोड़ी से उतारना पड़ा और उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। पिछले 10 महीनों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये कानून व्यवस्था की ओर इंगित करती है इशारा कि सरकार में बैठे हुए कैबिनेट मंत्रियों के मुंह पर ताला लगा हुआ है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं इन घटनाओं के बारे में। लेकिन जब चुनाव है मंडावा में और खीमसर में, तब वो चुनाव की चर्चा हुआ करते हुए कहते हैं कि मुझे वहाँ भेजा जा रहा है, मैं चाहूँ तो जिता दूँ और चाहूँ तो हरा दूँ, और दलितों का वोट मेघवाल के पास है इसलिए मुझे वहाँ भेजा रहना। तो इसके क्या मायने हैं? वो इतने अहंकारी हो गए हैं और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि दनका उनके कहने पर वोट दे देगी। अभी जनता बेवकूफ़ नहीं है, दलित समाज भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है, वो भी अब पढ़ लिख करके विवेकशील हो गया है और उससे मालूम है कि अच्छा और बुरा क्या है, उसमें किसकी भलाई है और किसमें नुकसान है। इसलिए जो बयान उन्होंने दिया है मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करती हूँ और उनको ये बात कहना चाहती हूँ कि वो जवान संभाल करके अपनी बात कहे। अब वो वर्तमान में जीना सीखे, वो भूतकाल में जीना नहीं सीखे, वर्तमान में जिए और वर्तमान में देखें कि किस तरह से ये सरकार चल रही है। ये सरकार घसट घसट के रैंग रैंग करके चल रही है, लोग बहुत पीड़ित हैं इस 9 महीने में। जनरली ये होता है कि 3-4 साल आते आते वर्तमान जो सरकार होती है उसको एंटी इनकम्बेंसिंग का नुकसान उठाना पड़ता है और लोग परेशान होकर के कहते हैं कि अब तो हम सरकार बदलेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, मेरे भी राजनीतिक जीवन के 20 साल हो गए उसमें मैंने पहली बार देखा है कि इन 8-9 महीनों में ही लोग परेशान हो गए, लोग उकता गए और लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये सरकार जितनी जल्दी गिरे उतना अच्छा है, ताकि ये सरकार यदि जाती है तो निश्चित रूप से विकास को गति मिलेगी और जितने भी ये कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है वो कानून व्यवस्था ठीक होगी और दलितों को पुनः स्वाभिमान से जीने का हक मिलेगा।